श्री हनुमान जी हैं, वे जाते हैं और जाने के लिए जैसा होना चाहिए वो सचमुच वो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं और शरीर से ऊपर उठे उठे ही और इतने ऊपर उठने वाले के सामने जब इतने विघ्न आए तो बेचारे जो उस स्थिति में वो तो एक भी स्थिति जो हनुमान जी के सामने आई उसमें तो कोई हजारवां भाग भी हमारे आपके सामने आवे तो उसे पार नहीं कर सकते। और फिर हनुमान जी ने सचमुच उस प्रवृत्ति के लंका का उन्होंने न केवल उस देह के देहाभिमान के समुद्र को पार किया अभी तो उन्होंने सचमुच प्रवृत्ति के उस आकर्षण उसको देखा और देखा ही नहीं उसमें बैठे भीतर गए एक एक घर में गए और प्रवृत्ति का जो विकृत से विकृत रूप हो सकता था सब उन्होंने देखा। क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मन दीख वैदेही। प्रवृत्ति के प्रत्येक पक्ष को हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा देखा और देखने के बाद सचमुच वो जो क्रम था उस दोनों को पार करने के बाद वे मां के पास पहुंचे और सचमुच मां से उन्होंने कृतकृत्यता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। और उसके बाद वो जो श्री हनुमान जी के द्वारा दो कार्य होते हैं वो बड़े सांकेतिक थे। एक तो इसी आशीर्वाद के बाद मां से आज्ञा लेकर के उन्होंने मां से ये कहा कि मां मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। मां से आज्ञा लेकर के गए फल खाए और फल खाने के बाद बाप को भी उजाड़ डाला। बंदरों ने यही पूछा कि मां से आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं फल खाने के साथ साथ बाग भी उजाड़ूंगा तो बिना आज्ञा के आप बाग क्यों उजाड़ने लगे। हनुमान जी ने कहा मैं गया तो फल खाने के लिए ही था तो बाग क्यों उजाड़ दिया। बोले मां कि इस आज्ञा से जब मैंने फल खाया तो फल खाने का ये फल था कि बाग उजड़ गया और ये बहुत बड़ी बात है। बोले मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका नहीं उजड़ी तो कहे की कृपा है। सचमुच जब एक बार जगत जननी की कृपा मिलेगी तो उसका फल यही होगा। रावण की वाटिका सहज भाव से सरलता से मोह दर्श मौली बोले मैं क्या करता फल खाते ही मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि ना ना अब तो इस वाटिका को ध्वंस ही कर देना चाहिए। वो स्वामी जी ने लिखा है योगी और कुयोगी का जो अंतर उन्होंने बताया ये ही तो कहा पुरुष कुयोगी जीव उरगारी मोह बिटप नहीं सकहिं उपारी। योगी वो है जो मोह के वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दे और कुयोगी जो होता है वो मोह के वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। हनुमान जी तो सचमुच महानतम योगी है मां की कृपा से वाटिका ही नहीं उन्होंने उजाड़ दिया उस प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को क्षण भर में जिन्होंने भस्म कर दिया मोह की वाटिका उजड़ गई प्रवृत्ति की लंका भस्म हो गई। और उसके बाद श्री हनुमान जी लौट करके प्रभु के पास आए। किसी ने श्री हनुमान जी से पूछ दिया महाराज आप जिस मार्ग से गए उसी से लौटे जाते समय इतने विघ्न आए पर लौटते समय आपको कोई विघ्न नहीं आया क्यों। हनुमान जी ने कहा भाई साधना के मार्ग से गया था उसमें पग पग पर विघ्न था पर मां की कृपा पाने के बाद जब कृपा के मार्ग से लौटा तो कहां विघ्न आवेगा। विघ्न तो साधन में ही आता है कृपा में तो कोई विघ्न का प्रश्न ही नहीं। और ये हनुमान जी के चरित्र में साधना का समग्र पक्ष आपको मिलेगा। किंतु फिर गोस्वामी जी का सूत्र ये जो कृतकृत्यता का अनुभव है केवल हनुमान जी को ही तो हुआ और वो जितने उत्सुक थे वो बेचारे भी तो चाहते थे कि हम कृतकृत्य हो जाए पर नहीं समुद्र पार कर सके कब वो नहीं
वाटिका में पहुंच सके, मां का आशीर्वाद नहीं ले सके। अब रामायण का एक सांकेतिक क्रम है, वही भूमिका का तत्व है कि हनुमान जी जब कृतकृत्य हो गए तो फिर उसके बाद श्री हनुमान जी लौट करके फिर आए, और फिर आने के बाद उन्होंने प्रभु से जब ये कहा कि आप बानरों की सेना लेकर के लंका की ओर प्रस्थान करें, तो ये संत की भूमिका है। गीता में भी, रामायण में भी, कि भाई जब कोई कृतकृत्य हो जाता है तो कर्म करता है कि नहीं। हनुमान जी कृतकृत्य हो गए, पर क्या उनके जीवन में ऐसा है कि हनुमान जी जो है कुछ नहीं करते हैं क्या? हनुमान जी के जीवन में तो कर्म ही कर्म दिखाई दे रहा है, तो कर्म ही कर्म दिखाई दे रहा है, और हनुमान जी कह चुके कि मैं कृतकृत्य हो गए। तो वही गीता में भगवान कृष्ण जो उत्तर देते हैं तुमको कि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म न होते हुए भी लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए मैं कर्म करता हूं कि जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, कुछ पाने के लिए मेरे कर्म का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो जो कृतकृत्य होते हैं, कहो कृतकृत्य होने के बाद ऐसे महापुरुषों के जीवन में जब कर्म भी दिखाई देता है तो कर्म कुछ पाने के लिए नहीं होता है, मात्र केवल लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए होता है। हनुमान जी का उद्देश्य क्या है? हनुमान जी को यही लगा, संत को यही लगता है कि मैं तो कृतकृत्य हो गया, पर ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो बेचारे इतनी लंबी यात्रा करके समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे और जिन्हें वंचित रहना पड़ा, उनका क्या होगा? उनका भी तो कल्याण होना चाहिए, यह तो उनको लाभ तो मिल गया, थोड़ा बहुत लाभ तो उसी समय मिल गया जब हनुमान जी लौट करके आए और वो वंदरों ने यात्रा का वर्णन पूछा, और हनुमान जी पूछत कहत नवल इतिहास। तो यही सत्य साधन का है, स्वयं जो साधना के द्वारा उस स्थिति में पहुंच गया जिसमें हनुमान जी पहुंच गए, का अगर वो कोई अन्य व्यक्ति उस स्थिति में न पहुंचा हो तो क्या करे? वही करना चाहिए जो बंदरों ने किया। बंदरों ने पूछा, आप अपनी यात्रा का अनुभव कृपा करके बताइए, और इसका अभिप्राय यह है जब हम और आप संतों के पास जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे जानना चाहें कि साधना के जो विघ्न है, साधक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो उनसे पूछे। और यही हुआ, वो स्वामी जी कहते हैं लौट रहे हैं और वो सारा रास्ता कट गया, मार्ग कट गया, क्या उन्हें पूछत कहत नवल इतिहास, और उस कथा का एक फल तो तुरंत मिल गया। और मैं समझता हूं कि वो फल तो आपको कथा में भी मिल ही जाता है कथा सुनने से। तो स्वामी जी ने तुरंत लिखा, सुनते सुनते आए, और तुरंत अगली पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा, तब मधुबन भीतर सब आए और अंगत सहित मधुर फल खाए। अब ये संगति हनुमान जी और बंदरों के संदर्भ में, हनुमान जी ने मां से कहा, सुनो मां को मही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। ये लंका की वाटिका के फल बड़े मधुर लगते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें खा लूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ही बंदर आए तो सीधे सुग्रीव के पास नहीं गए, मधुबन के भीतर गए। तो एक अशोक उपवन है जहां हनुमान जी गए थे, और ये मधुबन है, ये सुग्रीव की वाटिका है। तो उस पार रावण की वाटिका और इस पार सुग्रीव की वाटिका, और वाटिका में आते ही अंगद ने ये कहा कि भाई पहले फल हम लोग खा करके अपनी भूख मिटा ले, तब सुग्रीव के पास चलेंगे। याद दिलाया, उनकी आज्ञा तो हम लोगों ने नहीं ली है, सेवक तो इनकी बिना आज्ञा के फल नहीं खाने देंगे। अंगद ने कहा, अभी इतनी कथा सुन करके भी यह संदेह बना हुआ, जब
हनुमान जी को रावण की वाटिका का मधुर फल मिल गया, वहां पर भी मधुर फल खाने को मिला, तो ये तो सुग्रीव की वाटिका है। और आज्ञा का प्रश्न ही कहा, हनुमान ने रावण से थोड़ी पूछा, उन्होंने तो मां से पूछा और फल खा लिया। तो हम लोगों को भी भले ही सुग्रीव की आज्ञा न हो, पर मां की आज्ञा से जो फल कर खा करके आया हुआ है वो तो अपने साथ ही है, इसलिए पूछने की क्या आवश्यकता है। और फिर वो तो गोस्वामी जी ने लिखा, वो वाटिका का फल वही हनुमान जी का अनुकरण, हनुमान जी वाटिका में जैसे बिना पूछे ही फल खाने लगे वैसे ही है। ये बंदर भी फल खाने लगे, और जब फल खाने लगे तो इतिहास थोड़ा थोड़ा मिला, वहां भी रावण के पहरेदारों ने, राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने की चेष्टा की। और यहां पर भी सुग्रीव के द्वारा जो नियुक्त प्रहरी थे उनको ये बड़ा बुरा लगा कि बिना आज्ञा लिए हुए ही इस तरह से ये फल खाए जा रहे हैं, और तब उन्होंने रोकने की चेष्टा किया। अंगद ने कहा, इतिहास का लाभ लो, जिन्होंने रोका था हनुमान जी ने क्या किया था, कब उन्होंने तो मार ही डाला था, इनको मारना नहीं है, थोड़ा सबक तो इनको भी। लिखा हुआ है कि जब रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है, हनुमान जी दुर्गुणों की वाटिका में थे, इसलिए वहां पर दुर्गुणों का वध करना हो, और ये सद्गुणों की वाटिका थी इसलिए सद्गुणों को मिटाने की आवश्यकता तो नहीं है, पर इनका भी अभिमान मिटाने के लिए थोड़ा मुक्का तो लगना ही चाहिए। ये बिना मुक्का लगे अपने आप में जो अभिमान है कि हम तो वाटिका के रक्षक हैं, तो ये नहीं दूर होता। और तब फिर वही राक्षसों ने जाकर के रावण से कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, तई अशोक वाटिका उजारी, खाए सुफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द में ही पारे, सुन रावण पठे भट नाना, तिनहिं देखी गर्जन हनुमाना। का यहां पर भी जाकर के गए सुग्रीव के पास, जाय पुकारे तो सब बन उजार जुवराज। पर अंतर तो रावण और सुग्रीव में है ही, रावण ने सुना कि मेरा वाटिका का फल खा लिया गया, क्रोध आ गया, और सुग्रीव ने सुना कि खा लिया गया, तो सुन सुग्रीव हरस मन बड़े प्रसन्न हुए। पहरेदारों को बड़ा बुरा लगा, हम सूचना दे रहे हैं कि बाग उजड़ गया, फल खा लिया गया, प्रसन्न हो रहे, महाराज क्या दंड दिया जाए। अरे तुम दंड की बात करते हो, तुरंत उन्होंने कहा, सुन सुग्रीव हरस मन कर आए प्रभु काज, जौन होत सीता सोधि पाई, तो मधुबन के फल सकही के खाई। अरे निश्चित रूप से ओ माँ के पास, जगत जननी के पास से लौटे हुए हैं, तभी तो इतना साहस कर सकते थे, लाओ लाओ सम्मान पूर्वक लाओ, आदर पूर्वक लाओ, तो कथा का फिर तो मधुर फल मिलते ही है। अब वो हनुमान जी जैसा कोई हो तो सर्वत्र उस मधुर फल को ले सकता है, पर वो सबके बस में नहीं है। पर वो कथा सुन करके सत्संग करके उस फल का आस्वादन तो उन्हें भी मिल गया। सुग्रीव ने सम्मान किया, प्रशंसा की, पर हनुमान जी को अभी चिंता है। पर उसे उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज अब आप विलंब मत कीजिए, और वो जितने हैं सब लेकर के सुग्रीव को और बंदरों को लेकर के आप कृपा करके लंका पर अभियान करें। सीता कहत विपति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीति। श्री सीता जी इतने कष्ट में कि एक एक निमेश कल्प की तरह बीत रहा है। लेकिन अगला वाक्य बड़ा विचित्र है, अगर एक निमेश कल्प की तरह बीत रहा है, और हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, और वो अपने बाण के द्वारा सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं, बाण के ही द्वारा कौन श्री सीता जी को लौटा सकते हैं, इसके लिए तो कोई असंभव नहीं। श्री भरत जी हनुमान जी को पर्वत सहित बाण पर उठाने में सक्षम है,
पर हनुमान जी ने जब ये कह दिया कि एक एक क्षण निमेश निमेश की तरह बीत रहा है, तो ऐसा लगा कि प्रभु का कहीं ऐश्वर्य उसका ही प्रयोग न हो जाए। तो कहते क्या है, बोले निमिष निमिष करुणा निधि जान कल्प समय बीत बेगी। चलिए आप चलिए, सेना लेकर के चलिए और भुजबल खल दल जीत। तब सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। और प्रभु ने सुग्रीव की ओर देखा और कहा अब विलंब कर। कारण कहा क्या अभिप्राय, हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि वस्तुतः सीता जी को पाना आपका लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता है। उसका अभिप्राय यह है कि आपके लिए तो तात्विक दृष्टि से वो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती, और सर्वशक्तिमान के रूप में भी आप क्षण भर में व्यवहार में उन्हें पा सकते हैं। लेकिन प्रभु ये जो साधन पथ पर चलने वाले जो निराश होकर के लौट आए थे, जब वो आप उनको साथ लेकर के चलेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि उस पथ पर आपके साथ साथ ये लोग भी चलना सीखेंगे। और आपने जो मानव अवतार ग्रहण किया है मनुष्य के साधना के पथ को प्रशस्त करने के लिए, वो सार्थक होगा। और तब प्रभु सेना लेकर के जब समुद्र के किनारे तक यात्रा करते तो मानो वो प्रभु साक्षात साधक का जो आग का पथ है उसको स्वीकार कर लेते।